वाराणसी कहिए, बनारस कहिए या कहिए काशी, यह नगरी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक है। मंदिरों और घाटों का नगर है वाराणसी। विश्व का प्राचीनतम बसा हुआ नगर है वाराणसी। हजारों साल से उत्तर भारत का धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है वाराणसी। प्राचीन काल में वरुणा और असी नदियों के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। रामायण और महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में, यहाँ तक कि वेदों में भी काशी का उल्लेख है। प्राचीन काल से ही संस्कृत पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से वाराणसी आया करते थे। और दूसरा कारण था संगीत शिक्षण। बनारस के घराने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपनी निराली शैली रखते हैं। बनारस गायन और वादन और नृत्य तीनों के लिए तीर्थस्थली के समान है। यहाँ महान गायक और वादक हुए, जिनमें पंडित रघुनाथ प्रसन्ना, जिन्होंने शहनाई और बांसुरी जैसे सुशीर वाद्यों में महारत हासिल की और इन दोनों वाद्यों को अपनी गरिमा प्रदान की। प्रसन्ना उपाधि उन्हें जब वे मात्र 16 साल के थे कूच विहार के राजा द्वारा प्रदान की गई थी। वो भी इसलिए क्योंकि रघुनाथ प्रसन्ना की बांसुरी वादन की शैलियों में एक चुंबकीय आकर्षण था और वे अपने वादन से श्रोताओं को मुग्ध और प्रसन्न कर देते थे। बस राजा को खिताब सूझा कि इन्हें प्रसन्न कहा जाए और अंग्रेजी में प्रसन्न को प्रसन्ना पढ़ा गया और प्रसन्ना के नाम से आज उनका पूरा परिवार जाना जाता है। पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान साहब ने उनके बारे में कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के महान संगीतकार पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी की शताब्दी हम सब मना रहे हैं और संगीत के दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शहनाई की परंपरा तो 7-8 पीढ़ी से उनकी चली आ ही रही है, लेकिन उनको लोग विश्वकर्मा भी कहते थे क्योंकि अलग अलग किस्म के साज़ों का उनको बड़ा शौक़ था, बजाने का भी शौक़ था। शहनाई तो बजाते ही थे, बांसुरी उन्होंने शुरू करी और बहुत लोगों को सिखाया अपने घर में, छोटे भाइयों को, बच्चों को। फ्लूट के भी कई तरीके बजाने के होते हैं और जिसमें त्रिपुरा वो उन्होंने शुरू किया और फिर कृष्णा फ्लूट भी उन्होंने शुरू किया और सरोद भी बजाते थे, सरोद बनाने का भी शौक़ था, कई साज बना लेते थे। और उनके साहबजादे जो मुझसे सरोद सीख रहे हैं, राकेश प्रसन्ना, तो ये उनका प्यार था, उनका शौक़ था कि एक बच्चा सरोद भी बजाए और खुदा करे और भी आगे इनके औलादे शहनाई फ्लूट सरोद बजाए और इस देश का नाम रोशन करें। तो ऐसे कलाकार बहुत कम दुनिया में आते हैं जो जिनकी बहु रूप उनका जो होता है। खुदा करे बहुत कामयाब शताब्दी समारोह हो और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के सभी कलाकार इसको पूरा सहयोग देंगे और इसमें अपना संगीत, अपने आप को इसमें शामिल करेंगे और उनके नाम से जहाँ भी जिस किस्म का भी कार्यक्रम होगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत कामयाब होगा। धन्यवाद। ये वर्ष पंडित रघुनाथ प्रसन्ना का जन्म शती वर्ष है। उनका जन्म 1913 में हुआ था और वे भारतीय शास्त्रीय संगीत में शहनाई और बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हुए। शास्त्रीय संगीत के सुशीर वाद्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान ये रहा कि उन्होंने भारतीय लोक बांसुरी को शास्त्रीय संगीत में प्रवेश दिलाया और उनकी शैली पंडित पन्नालाल घोष से भिन्न रही। उन्होंने इस कला के विभिन्न अंगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे वाद्य में फूंक मारने का कौशल, उंगलियों का संचालन और वाद्य को थामने की कला। उन्होंने त्रिपुरा बांसुरी जैसे लोक वाद्य को शास्त्रीय ऊंचाइयां देते हुए न केवल विविधताएं प्रदान की बल्कि उस मार्ग को प्रशस्त किया जो बांसुरी की तान को वैश्विक बना सके। वे बांसुरी वादन के क्षेत्र में अपनी
नई तकनीकों को प्रस्तुत करने के कारण भी जाने गए। उन्होंने ठुमरी, चैती, कजरी, होरी, धुन, इन सब को रागदारी के साथ बांसुरी वादन में सम्मिलित किया और अन्य वाद्यों के समान उसे शास्त्रीय स्तर और नई कथन पद्धतियां प्रदान की। वे एक महान अध्यापक और अन्वेषक भी रहे। पंडित सुनील मुखर्जी सरोद वादक, वे भी उनके प्रति क्या कहते हैं सुनिए। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे मेरे। वो हम इकट्ठे कई ऑडिशन में, कई सिलेक्शन में हम लोग साथ साथ बैठे। वो बात हम एक दूसरे से वेल, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम लोग स्पेशली अलग बात करते थे कि भाई इसको ये करना चाहिए। मगर उनके साथ मेरा जो सिलेक्शन होता था ठीक होता था, मतलब आपने मुझे सेटिस्फाइड होता था। और एक बात और मैं कहूँ, उन्होंने एक फ्रूट लाया था यहाँ हिंदुस्तान में, बहुत कम लोग बजाते हैं, त्रिपुरा फ्रूट। त्रिपुरा जो हमारे कलकत्ता के पास है, वो असम टाइप के लोग हैं, वो बजाते हैं स्टेट फ्रूट को फू मार के। ये नहीं मतलब, ये तो उंगली तो ऐसी है, मगर जो बाँसी आप बजाते हैं उसी को साइड पे फू दे के बजाते हैं। तो ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। बहुत कुछ उनका ब्रेन ऐसा था कि मैं क्या बताऊँ। और बड़े मजा किया थे, थोड़ी देर के अंदर ही इतनी कुछ ना कुछ बातें करते थे, छेड़ते थे। मेरा दुर्भाग्य, मैं घर जा नहीं पाया उनके टाइम में। तो मैं अब कहता हूँ कि भाई वो सरोद को कम से कम, मैं खुद सरोदिस्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनको ऐसा, उनके बारे में हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। यहाँ कोई अपने से तो आता नहीं है। और जो सच है, ऐसा कलाकार कहाँ मिलेगा जो वो हो गए, जो वो बजा गए, जो कंपोजिशन उन्होंने की है, क्या बताऊँ। मैं तो उनको कभी कभी याद करता हूँ। उन्होंने संगीत शिक्षा अपने पिता पंडित गौरीशंकर से प्राप्त की, जो स्वयं एक विख्यात शहनाई वादक थे, और गायकी अंग की दीक्षा उन्होंने पंडित दाऊजी मिश्रा से ली, जो अपने समय में बनारस के सुविख्यात गायक थे। वे अपने परिवार में बांसुरी वादन की कला को लाने वाले पहले सदस्य रहे और बांसुरी के जरिए बनारस घराने को विख्यात किया। पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपना स्वर आदरणीय गिरजा देवी जी ने भी मिलाया। आज हम अपने काशी के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार और गुणी व्यक्ति के लिए उनकी याद कर रहे हैं, और समझते हैं कि सभी लोग उन्हें याद करेंगे। स्वर्गीय श्री रघुनाथ प्रसन्ना जी का नाम हम ले रहे हैं, जो कि शहनाई भी बजाते थे, बांसुरी भी बजाते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि इतने सरल व्यक्ति और इतना सच्चे आदमी ये लोग पहले के थे कि हमारा कई बार कॉन्फ्रेंस में, रेडियो में उनके साथ हमारा भी प्रोग्राम था, उनका भी प्रोग्राम था, पड़ता था, और हम उन्हें बड़े भाई साहब की तरह मानते थे। जिसका कि अब शब्दों में क्या हम उनकी तारीफ करें, लेकिन इतना ज़रूर जानते थे कि इतने सच्चाई से अपने बेटे राजेंद्र प्रसन्ना जी को और अपने शिष्यों को, अपने भाइयों को, सबको उन्होंने, भोलानाथ जी उनके शिष्य थे, अनंत लाल थे, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि उनका 100वां वर्ष गांठ ये मनाया जा रहा है। इसलिए मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान करे कि उनका हर साल इसी तरह से मनाया जाए उनकी याद में, और जितने भी हमारे और भी बड़े कलाकार थे उन सब लोगों की उन पर कृपा रहे। यों शहनाई वादन इनके परिवार में 2-2.5 शताब्दियों से चला आ रहा था, लेकिन परिवार में पहली बार पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी ने बांसुरी को स्थान देकर उसे विश्व भर में परिचित कराया। इनकी पीढ़ियां कब से सक्रिय हैं और किन किन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये आज ऐतिहासिक तौर पर निकाल पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन पंडित रघुनाथ प्रसन्ना के पिता पंडित गौरीशंकर
उनके पिता पंडित टहल प्रसाद और उनके पिता गरीबदास तक ही पीढ़ियों को अभी हम रेखांकित कर पाए हैं। वादक हों या गायक, सभी उन्हें आदर मान देते रहे। पद्मभूषण पंडित राजन मिश्रा कहते हैं, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी का 100वां वर्ष मनाया जा रहा है और उसमें हम लोग भी अपनी हाजिरी दे रहे हैं। पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी एक ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको हम एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में जान सकते हैं, और आज हमें इस बात की भी खुशी है कि उनके 100वें वर्ष पे हम लोग भी अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं अपने गाने के द्वारा। ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है और हमारी बहुत बहुत शुभकामना है। पंडित रघुनाथ प्रसन्ना श्रेष्ठ बांसुरी वादक तो थे ही, उनका सांस्कृतिक ऐतिहासिक योगदान इस बात को लेकर भी है कि उन्होंने बांसुरी वादन में नई नई तकनीकों को जन्म दिया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को बड़ी निष्ठा के साथ बांसुरी के माध्यम से पुनरुत्पादित किया, पुनर्प्रस्तुत किया, उसका पुनरुत्थान किया। दरअसल उनको इस बात के लिए भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने नाम का घराना बनाने के लिए भी एक बहुत मजबूत और ठोस आधार बनाया। आज उनके परिवार में उनके पुत्र पंडित राजेंद्र प्रसन्ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मधुर बांसुरी वादन के लिए विख्यात हैं। सभी वाद्यों में सुर मैत्री होती है, सुर सारे वाद्यों के मिलते हैं, ऐसे ही सुर मिले हुए हैं हमारे संगीतकारों के पंडित रघुनाथ प्रसन्ना के बारे में। उस्ताद साबरी खां साहब का कहना है, रघुनाथ प्रसन्ना जी को तो सभी जानते हैं और बड़े मशहूर थे वो, और बहुत उनका ही असर है सब बच्चों को, भतीजी भतीजा को और सब, और भोलानाथ जी को, और उनको जाने किस किस को सिखाया उन्होंने, एक को थोड़ी बहुत, और उनके जिसको भी सिखाया वो नाम हुआ उसका, अच्छे हो गए वो सब, जिसको भी सिखाया वो कुछ बार बार लोगों के हाथ में ऐसा जश होता है कि जिस पे हाथ रख दिया वो कामयाब हो गया। पंडित रघुनाथ प्रसन्ना सरोद भी बजाते थे, और एक बात और कि वे वाद्य यंत्रों के निर्माता भी थे। एक कुशल कारीगर के समान वे तरह तरह के वाद्य यंत्रों का स्वयं निर्माण करते थे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उनके इसी कौशल के कारण उन्हें विश्वकर्मा कहा करते थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वकर्मा किसी भी प्रकार के हुनर और कारीगरी के एकमात्र देवता हैं। पंडित रघुनाथ प्रसन्ना को अनेक पुरस्कारों, सम्मानों और उपाधियों से नवाजा गया। संगीत नाटक एकेडमी ने उन्हें 1996 में भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए पुरस्कृत किया। आज अगर उनके शिष्यों की गणना की जाए तो प्रमुखता से लिए जाने वाले नामों में कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं, जैसे उनके छोटे भाई पंडित भोलानाथ प्रसन्ना, जो कि पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु हैं, उनके पुत्र राजेंद्र प्रसन्ना, पंडित प्रणव मुखर्जी, रोनू मजूमदार के पिता डॉक्टर भानु मजूमदार, और प्रसिद्ध शहनाई वादक उनके अनुज पंडित अनंत लाल और पंडित विष्णु प्रसन्ना। इन सभी ने बांसुरी और शहनाई वादन की कला को आगे बढ़ाया। उनकी अनेकानेक उपलब्धियों में से एक ये भी है कि उन्होंने अपनी त्रिपुरा बांसुरी और शहनाई वाद्य को पंडित रविशंकर की पहल पर रिकॉर्ड की गई एक एल्बम में बजाया, अ ट्रिब्यूट टू अलियन डेनिलो। 1955 में बनी इस एल्बम में पंडित रविशंकर के साथ उस्ताद अली अकबर खां और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का योगदान भी रहा। प्रायः आपने देखा होगा कि जब बड़े संगीतकार, गुरु संगीतकार का नाम लिया जाता है तो कान पे हाथ लगाते हैं, तो पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी भी उनके प्रति बड़ी स्नेह की भावना रखते आए। आज 100 साल का आयोजन ऐसे मशहूर कलाकार जिनके घराने में पहले तो शहनाई बजी, बड़े सुर में बजी, और उन्होंने बांसुरी की तरफ ध्यान किया तो इतने अच्छे ध्यान किया उन्होंने कि बांसुरी भी सज गई और तमाम शिष्य देश विदेश में नाम करते आए हैं। पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी का ये 100वां वर्ष मनाया जा रहा है,
उसमें हम भी शरीक होंगे और हम सब मिलकर उनकी याद में कला का अलग अलग रंग बिखेरेंगे, रंगमंच सजाएंगे, बांसुरी वादन से लेकर घुंघरुओं की झनकार से लेकर संगीत का पूरा रूप दिखाया जाएगा और मैं बहुत शुभकामना करता हूँ। मानवीय श्वास जब बांस की एक छोटी सी नलिका के विभिन्न छिद्रों से बाहर निकलते हुए एक गूंज का निर्माण करते हुए जब आपको एक ऐसी सृष्टि के करीब ले जाए जहां अनहद का आनंद हो, तब याद आते हैं पंडित रघुनाथ प्रसन्ना। एक गूंज की भी गूंज में से निकलता हुआ आत्मालाप, वह आत्मालाप कभी आलाप बनता है, कभी झाला तक की मंजिल पर जाकर आपको संगीत के अनंत सागर में डुबकी लगवाता है। तब आप नहीं रहते, हम नहीं रहते, रह जाता है गूंजता हुआ निनाद, मानवीय श्वास से निकला हुआ, हमारे हृदय के उच्छ्वासों से बढ़ता हुआ अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय।